नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। नमस्कार, मैं हूं अनिल पांडे। नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस इन चुनावों में क्या एक बार फिर से सत्ता हासिल करेगी, किन रणनीतियों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरेगी, निमाड़ क्षेत्र में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, इन सभी बातों का हम पता लगाने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे बीच आज उपस्थित हैं खरगोन जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रवि नाइक। रवि जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, कर्नाटक, शुरुआत हम वहीं से करेंगे क्योंकि कर्नाटक की जीत से ये माना जा रहा है कि कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिली है। इन चुनावों में जो कांग्रेस को विजय हासिल हुई है, कहाँ तक आप इसको कांग्रेस के लिए सकारात्मक संकेत होंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, कर्नाटक चुनाव में एक उस यात्रा का बहुत बड़ा प्रभाव है। दूसरी बात, वहाँ पर जो भ्रष्टाचार, 40% का भ्रष्टाचार था, केंद्र सरकार की जो आपस में बांटने की नीतियाँ थी, वो सब जनता को अब समझ में आने लगी है। और धीरे धीरे जनता को ये समझ में आने लगा है कि पहले रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, व्यवसाय, ये चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में होगी। इसी के आधार पर जब मतदान हुआ तो कांग्रेस बहुत बम्पर जीती, और केंद्र में सरकार होने के बाद और राज्य में सरकार होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी तरीके से हार हुई है। लेकिन रवि जी, हम ये देखते हैं कि दक्षिण भारत में इसके पहले जो भी विधानसभा चुनाव हुए या लोकसभा चुनाव हुए, भारत में जो एक राष्ट्रीय परिदृश्य में उन चुनावों का अभी तक इतनी तीव्रता से उल्लेख नहीं हुआ, ना ही उनके बारे में कोई ऐसी चर्चाएं होती थी। लेकिन इस बार जो कर्नाटक का चुनाव हुआ, क्या कारण रहे कि वो पूरे भारतीय परिदृश्य पर छा रहा, राजनीति के हर कोने में, देश के हर कोने में कर्नाटक चुनाव को लेकर चर्चा थी? क्या कांग्रेस ने इसको विशेष रूप से मुद्दा बनाया या भाजपा ने? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि कर्नाटक के जो चुनाव थे उसको प्रधानमंत्री और सत्ताधारी दल ने उसको चुनाव को इतना हाईटेक करके ऐसा साबित करने की कोशिश करी कि हम अजय हैं। और जब लगता है कि हम अजय हैं और वहाँ पर पराजय होती है तो वो चर्चाओं में भी बन जाती है, और उस चीज़ों के ऊपर छोटे से छोटे स्तर पर वहाँ पर बातचीत हो जाती है। वही वहाँ पर हुआ। कांग्रेस ज़मीन पर काम कर रही थी और सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे थे, और वही अंतर हुआ। वही कारण रहा कि जमीनी स्तर पर जब काम हुआ और कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत हुई तो पूरे देश में चर्चा हुई। सिर्फ कांग्रेस के अंदर ही बूस्टर डोज नहीं लगा, एनर्जी नहीं बढ़ी, बल्कि आम जनता को भी ये महसूस होने लगा कि अगर हम धरातल पर काम होंगे तो जनता उसके साथ खड़ी रहेगी। कर्नाटक में जो जीत हुई, कांग्रेस उसको ये मान के चल रही है कि इस जीत से जो उनको आप जो बूस्टर डोज बोल रहे हैं जो कांग्रेस को मिला है, लेकिन दक्षिण भारत और भारतीय जो भाषाई प्रदेश हैं उनकी परिस्थितियां अलग हैं, वहाँ के लोगों की सोच अलग है, वहाँ की समस्याएं अलग है। और आप कांग्रेस का ही ये कहना है कि हम क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर कर्नाटक का चुनाव जीते हैं, तो 2024 के जो चुनाव होंगे और मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होंगे उनमें मुद्दे भी अलग हैं, उनमें सोच भी अलग है, तो कांग्रेस इसको कहाँ तक भुना पाएगी? भ्रष्टाचार का मुद्दा मध्य प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी था। झूठी घोषणाएं करने का मुद्दा कर्नाटक में भी था, वो मध्य प्रदेश में भी है। ऐसे कई मामले हैं जो कर्नाटक में भी वही स्थिति थी जो मध्य प्रदेश में और जो बाकी राज्यों में। तो मुद्दे जनता के पूरे देश में लगभग एक समान होते हैं और वो मुद्दे हर प्रदेश में काम करते हैं, और इसीलिए कर्नाटक चुनाव को जो मैं कह रहा हूँ कि बूस्टर का डोज मिलेगा, उसका मध्य प्रदेश में और देश में असर होगा, वो इसीलिए होगा कि जिन मुद्दों को लेकर के कर्नाटक के लोगों ने मतदान किया वही सोच पूरे देश की है। और आप देखिएगा धीरे धीरे, अभी प्रदेशों में चुनाव है, उसके बाद 2024 में चुनाव है, आपको ये लहर 2024 के चुनाव तक दिखेगी। रवि जी, कांग्रेस पूरी तरह से कर्नाटक को कॉपी करने पे उतर आई है। पांच उन्होंने वहाँ वादे किए, पांच वादे मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं, पांच वादे वो छत्तीसगढ़ या अन्य प्रदेशों में, राजस्थान वगैरह जो भी है, साथ में चुनाव हो रहे हैं चार प्रदेशों में, उनमें भी करने जा रहे हैं।
आप क्या समझते हैं ये कॉपी करने से सफलताएं मिल जाएगी? और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जिन मध्य प्रदेश की हालत ये है कि कांग्रेस खुद कहती है कि कर्ज के बोझ तले शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश को दबा दिया, तबाह कर दिया, और एक बार फिर से आप ये फ्री की घोषणाएं लेकर के आ रहे हैं, तो प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो कहाँ तक सुधरेगी अगर यही चलता रहा तो? अगर कोई टीम खेलती है, अभी IPL चल रहा है, जो टीम जीतती है उसमें कोई फेरबदल करता है? अगर हम उस जिन योजनाओं को लेकर हिमाचल जीते, अगर हम उन योजनाओं को लेकर राजस्थान में जीते हैं, अगर उन योजनाओं को लेकर कर्नाटक में जीते हैं, तो उन योजनाओं को मध्य प्रदेश में लागू करें तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश का जो कर्ज है, अन्य ये आप हिमाचल और इनका जो बता रहे हैं, इनके अपेक्षा मध्य प्रदेश ज़्यादा कर्जदार है। दूसरा, हिमाचल में आपकी सरकार अभी तक जो वादे किए थे उनको लागू नहीं कर पाई है। वहाँ हिमाचल में सरकार बने अभी समय कितना हुआ है? कोई भी योजना होती है, किसी भी दल की राजनीति, लेकिन कर्नाटक में तो पहले दिन ही उन्होंने घोषणा कर दी। वहाँ हिमाचल में भी पहली कैबिनेट में आया है, कर्नाटक में भी आएगा, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में भी जो वादे किए जा रहे हैं वो पहली कैबिनेट में ही होंगे। आपने कहा कि कर्जदार है मध्य प्रदेश में, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे कि 0% ब्याज पे पैसे देंगे, फिर अभी चर्चा हो रही है कि ब्याज माफ़ होगा। तो अगर आपने 0% पे दिया तो फिर ब्याज किस बात का माफ़ हो रहा है? ऐसी बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। किसान दबा हुआ है, उसको खाद महंगा है, बीज महंगा है, मजदूरी महंगी पड़ती है, जब फसल बेचने जाता है तो फसल का दाम नहीं मिलता। दो गुनी किसान की आय करने वालों ने किसान को दोगुना पीछे कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में किसान को ऊपर उठाना है तो इस तरीके की योजनाएं आपको लाना ही पड़ेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या सबसे ज़्यादा हो रही है। मध्य प्रदेश में पिछली जो कांग्रेस गवर्नमेंट कमलनाथ सरकार का जो हश्र हुआ वो गुटबाजी के कारण हुआ, ठीक है। खरगोन जिला भी उसी गुटबाजी से ग्रस्त रहा है, पर ये दिवंगत कांग्रेस नेता स्वर्गीय सुभाष यादव के समय से ये गुटबाजी चलती रही है कि नर्मदा के दो किनारे हैं वो कभी एक नहीं हो पाए, और यही जो विलग रहा किनारों का ये कांग्रेस की हार का कारण बना। एक समय ये भी रहा कि अविभाजित खरगोन बड़वानी जिले की 10 सीटों में कांग्रेस का अधिकार था, एक बार फिर से 6 क्षेत्र जो हैं खरगोन जिले के उसमें कांग्रेस के विधायक बैठे हैं। ये बात अलग है कि सचिन बिरला बढ़वा के विधायक जो हैं वो भाजपा के पाले में चले गए हैं, लेकिन अधिकृत रूप से वो अभी कांग्रेस के विधायक हैं। केदार डाबर भगवानपुरा के विधायक हैं, वो भी आगे पीछे हो रहे हैं। इस स्थिति में इन 6 सीटों को कांग्रेस को संभालना कितना मुश्किल होगा? कोई मुश्किल नहीं है। आपने देखा होगा कि इसके पहले भी जिला कांग्रेस के आयोजन हुए, सारे विधायक जिला कांग्रेस के आयोजन में पहली बार किसी धरना मूवमेंट आंदोलन में 2 से 3 घंटे तक सब बैठे थे। मतलब ये माना जाए कि सचिन बिरला वापस कांग्रेस में लौट रहे हैं? सचिन बिरला की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपने जो कहा था ना नर्मदा के दो किनारे वाली बात, जिला कांग्रेस के आयोजन में सारे विधायकगण आते हैं, सारे पदाधिकारी आते हैं, और आप पिछले कई समय से देखेंगे कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जो विधायक हैं या जो जवाबदार जनप्रतिनिधि हैं, सब अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने में लगे हैं। खरगोनी नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में कोई ग्रुपबाजी नहीं है, ये सिर्फ एक सरकार BJP के कुछ नेता हैं जो बार बार इस सवाल को उठाने की कोशिश करते हैं ताकि एक ऐसा संदेश जाए लोगों में कि कांग्रेस में ग्रुपबाजी। लेकिन आप मुझे बताइए, पिछले 6 महीने से कौन से नेता का, किस नेता ने ऐसी कोई बात करी हो जिससे आपको परीक्षित होता है कि गुटबाजी है? सब जगह बड़े बड़े नेता अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी को जो जिम्मेदारी दी है वो वहाँ घूम रहे हैं, युवा जितने हमारे बड़े विधायक और बड़े नेता हैं वो अपनी जिम्मेदारी में घूम रहे हैं, जिन विधायकों को चुनाव लड़ने की तैयारियाँ करना है वो अपने अपने क्षेत्रों में घूम रहे हैं। पूरी कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से चुनाव की तैयारियों में भिड़ी हुई है, जुटी हुई है, और कांग्रेस जैसा कर्नाटक में है उससे अच्छे रिजल्ट मध्य प्रदेश में आएंगे। रवि जी, आप लगभग 1.5-2 दशक से कांग्रेस से जुड़े हैं, और अभी पिछले माह ही आपने जिला कांग्रेस अध्यक्ष का दायित्व संभाला है। इसके पहले जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भिगनगांव विधायक झूमा सोलंकी थे जी। उस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता ही आपस में पूछा करते थे कि जिला कांग्रेस की मीटिंग कहाँ है, कहाँ है कार्यालय। क्या अब कोई नया पता है जिला कांग्रेस के कार्यालय का? बिल्कुल है, जिला कांग्रेस कार्यालय है, पूरे जिले भर से पदाधिकारी आते हैं। क्या पता है, आप भी आइए जिला कांग्रेस का कार्यालय सुबीसी परिसर में बैठते हैं, शहर कांग्रेस बैठती है, यूथ कांग्रेस के सब बैठते हैं। मैं आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि जिस समय झूमा सोलंकी यहां जिला अध्यक्ष थी उस समय मैं खुद जब कवरेज के लिए जाता था तो 2-1 दफ़े मैंने ये पूछा कि भाई कहाँ पर बुलाया, भाई कहाँ पर बुलाया, क्योंकि अगर जिला कांग्रेस का कोई कार्यालय होता स्थायी तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति बगैर पता पूछे वहीं जाता।
नहीं, चूंकि उनके पास दो दायित्व थे और उनकी विधानसभा खरगोन विधानसभा से 40-50 किलोमीटर दूर है, तो दोहरा दायित्व होता है, तो वो कई बार अपने विधानसभाओं में ज़्यादा व्यस्त होते हैं। अब की बार आपको किसी पते पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप जिला कांग्रेस कार्यालय आइए, हम आपका बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत करेंगे। अच्छा, हम अपने खरगोन जिले की ही बात करते हैं, 6 विधायक कांग्रेस के हैं, कौन कौन सी जगह पे नाम बदले जाएंगे या वही विधायक चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये मेरे दायित्व के बाहर की बातें हैं। ये माननीय कमलनाथ जी और जो ऊपर के स्तर के लोग हैं उम्मीदवार, वो तय करेंगे। मेरा उम्मीदवार तिरंगा झंडा और हाथ का पंजा है, पूरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो भी उम्मीदवार होगा कांग्रेस का, हम सब पूरी ताकत से तन मन धन से उनके पीछे खड़े रहेंगे और उनको चुनाव जिताएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे सवाल करूंगा, आपने कहा कि कमलनाथ जी ये तय करेंगे, लेकिन एक जिला अध्यक्ष के नाते आपने जो यहाँ वस्तु स्थिति देखी जिले में, अभी तक 5 साल का जो टर्नओवर पूरा होने जा रहा है, इसमें आपने कांग्रेस के जो भी विधायक हैं उनका देखा होगा किस प्रकार से उनका यहाँ पर भूमिका रही, कितना वो सक्रिय रहे, तो उस आधार पे तो आप बता सकते होंगे। तो जहाँ खरगोन की हम बात ले लें, जहाँ जो ये बातें हैं जो मेरे जिस स्तर से मेरे से पूछी जाएंगी वहाँ पे बताना ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पर उन बातों की चर्चा नहीं की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और अभी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रवि नाइक से चर्चाएं जारी रहेंगी, उनसे हम सवाल पूछेंगे स्थानीय समस्याओं को लेकर। आप कहीं जाइएगा नहीं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, तब तक के लिए नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं इस समय खरगोन जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रवि नाइक, और हम उनसे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या होगा खरगोन जिले का हाल, क्या होगा प्रदेश का हाल, और इस हाल को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, इन्हीं मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं। रवि जी, एक बार पुनः आपका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, जो खरगोन जिले की समस्याएं, खेतीहर क्षेत्र है, मजदूर वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा है, और अभी कुछ समय ये देखा गया कि मजदूर वर्ग को सिर्फ मुफ्त का अनाज और जो दूसरी सुविधाएं दी जा रही हैं वो ही दी गई, उसके अलावा जो उसको नैसर्गिक जो उसके अधिकार थे, जो उसकी बुनियादी सुविधाएं उसको मिलना चाहिए थी, जैसे उदाहरण के लिए खरगोन ही देख लीजिए आप, 24 घंटे की पाइपलाइन जो पेयजल की अभी तक शुरू नहीं हो पाई। कांग्रेस भी इस मुद्दे को पूरी तरह से 5 सालों में अगर वो उसने उग्रता से इसको उठाया हो, सड़कों पर आई हो, ऐसा हो नहीं पाया। तो बुनियादी सुविधाओं को लेकर कांग्रेस ने कोई आंदोलन नहीं किए, उसके बाद आप कैसे मानते हो कि एक आम व्यक्ति आपसे जुड़ेगा? सिर्फ 1500 रुपये की एक नारी सम्मान योजना या 500 रुपये का सिलेंडर? देखिए, जब 18 साल से 19 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले 2-3 चुनाव में मुख्यमंत्री जी जब भी खरगोन आए उन्होंने नर्मदे हर के नारे लगवाए, और हर चुनाव में ये वादा किया कि खरगोन को हम नर्मदा जी का जल देंगे। मैं आपके चैनल पर आज भी बोल रहा हूँ कि आज भी खरगोन को नर्मदा जी का जल नहीं मिला। हर बार सिर्फ बातें हुई, घोषणाएँ हुई, और कार्यक्रम एक तरीके से झूठी बातें हो गई हमारी। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में नागलवाड़ी परियोजना का कब शिलान्यास हुआ? आज आपके मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप देखेंगे तो उसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। उसके बाद बिष्टाणु उद्वहन का हुआ, फिर जब हमारी सरकार थी तो खरगोन उद्वहन में भारी भ्रष्टाचार हुआ था। जब हम उसके लिए आंदोलन करते थे, हमने श्रीगंज टाकी चौराहे पे 10 बजे से 5 बजे तक उसके लिए सत्याग्रह आंदोलन करा था, जब झूमा सोलंकी जी अध्यक्ष थी, भारी भ्रष्टाचार हुआ। फिर 15 महीने की सरकार में लगभग 400 करोड़ की एक योजना फिर चालू हुई, उसका भी काम बहुत तेज़ी से आगे चला। तो लोगों को सबसे ज़्यादा किसान बहुल इलाका है, खेतों में अगर हमने पानी दे दिया तो किसान की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, वही हमारा लक्ष्य है। और आज भी हम जब भी हमारी कोई बात होती है, जब भी हमको लगता है, तो हम किसानों के लिए इन योजनाओं का हमारे जो जिम्मेदार किसान जनप्रतिनिधि हैं उनको बराबर समय समय पर वहाँ भेजते हैं, कार्य की प्रगति लेते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, ताकि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके किसानों के खेत में पानी पहुँचे। हम बाकी लोगों की तरह झूठ नहीं बोलना चाहते कि हम नर्मदा जी का जल लाएंगे, नर्मदा हर करेंगे और 20 साल बाद तक पानी नहीं लाएं। संगठन की दृष्टि से आप कांग्रेस की विजय की बात कर रहे हैं,
और उसके लिए आपने रणनीति भी तैयार होगी, उस पर भी हम जो की है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन खरगोन जिले में AIMIM की मजबूत उपस्थिति इस समय दर्ज है। खरगोन जिले में एक तरह से उन्होंने अपने संगठन को बढ़ाने की कोशिशें की और खरगोन में 3 पार्षद जीत के आए उनके। आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में दस्तक दे रही है, खरगोन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने भी संगठन को लेकर कार्य शुरू कर दिया। और सीधा सीधा ये दोनों दल अगर नुकसान पहुंचाते हैं, जो अभी तक के चुनाव में देखा गया, वो कांग्रेस को ही डिफीट देते हैं। इनसे निपटने के लिए आप संगठन की दृष्टि से क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, ये लोकतंत्र है और ये कितना नुकसान पहुँचाएंगे? ये लोकतंत्र है, जो भी राजनीतिक दल चुनाव आयोग में पंजीकृत है या निर्दलीय लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। कौन सी पार्टी लड़ रही, कौन सी मजबूत हो रही, उस पर हम ध्यान ही नहीं दें। हम तो हमारी लाइन को इतनी बड़ी करें, इतनी मेहनत हम करें कि हमारे काम, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार और हमारे संबंध और हमारे कार्यकर्ता इतने ग्रास रूट लेवल पर वहाँ तक पहुँचे। एक नहीं 10 पार्टियाँ लड़ें, आप किसी को रोक थोड़ी सकते। ये लोकतंत्र है, जिसको लड़ना हो चुनाव लड़े और सबका स्वागत है चुनाव लड़ने वालों का। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो हम पिछले 3-4 महीने से कोशिश कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता और संगठन ग्रास रूट लेवल पे जो काम चल रहा है उसको मजबूती प्रदान करें। जनता को आखिरी में तय करने दे कौन सही है कौन गलत है। जनता जिसको चाहेगी, उनको लगेगा कि हमारे हम अच्छा काम करते हैं, कांग्रेस की योजनाएं अच्छी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ उठते बैठते हैं, उनका व्यवहार ठीक है, तो हमको चुनाव जिताएंगे। रवि जी, खरगोन में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उस समय भी जब कांग्रेस आम जनता के बीच गए, कांग्रेस के नेता देखा गया कि उनमें 2 फाड़ दिखाई, स्पष्ट रूप से आई, अखबारों में भी छपा, मीडिया में भी ये प्रकाशित हुआ। भाजपा एक बार फिर से अपनी रणनीति में उन दंगों को शामिल करके उसका लाभ लेना चाहेगी, तो आप उसके इस जो अवसर या उसकी जो रणनीति है उसको आप नेस्त नाबूद करने के लिए क्या क्या तैयारी है आपके पास? क्योंकि ये सही है कि इस बार के जो दंगे हुए, उन दंगों के कारण खरगोन शहर जो है पूरे देश में पहचाना जाने लगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ, देश में नहीं, पूरे इंटरनेशनल स्तर पे खरगोन की चर्चा हो गई। मैं पूरे उस पर एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब आग लगती है तो फायर ब्रिगेड का क्या काम होता है? आग लगाना कि आग बुझाना? जब खरगोन का माहौल ख़राब हुआ था तब सरकार में बैठे लोगों के बयान क्या थे, क्या उनके बयान आ रहे थे? वो आग बुझा रहे थे कि आग लगा रहे थे? बस इस बात पे पूरा परिदृश्य हर आदमी को समझ में आ जाता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ। बस इतनी सी बातों पे उस बात का पूरा अर्थ निकल जाएगा। आप निमाड़ में किन मुद्दों को लेकर, यानी खरगोन जिले में आप किन मुद्दों को लेकर के आम जनता के बीच जा रहे हैं? अभी हम सबसे बड़ी हमारी एक योजना चल रही है, नारी सम्मान योजना। आप भी देख रहे हैं, अभी हमारे कार्यकर्ता जिले भर में घर घर जाकर के नारी सम्मान योजना का फॉर्म भरा रहे हैं। मैं तो इसके लिए भी कहना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी ने एक ऐसी योजना लागू करी, वो कहते ना कि बैठे बिठाए आपने हथियार दिया हमको, उन्होंने एक योजना लागू करी लाडली बहना। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री को अधिकारी अब मिसगाइड करने लग गए हैं। वल्लभ भवन में उन्होंने योजना बना दी और इतने बैरिकेड्स लगा दिए उसमें, इतने स्पीड ब्रेकर खड़े कर दिए कि योजना योजना नहीं रही, बदनामी होने लगी है उसमें। बहुत सारे कि आपके पास 4-व्हीलर हो तो नहीं मिलेगी उस परिवार की महिला को, एक घर से एक महिला को मिलेगा, आपके घर शासकीय नौकरी हो तो नहीं मिलेगा, आप इनकम टैक्स देते हो तो नहीं मिलेगा, आपके घर कोई जनप्रतिनिधि है, अगर आप पंच से लगा कर सांसद हैं तो आपके घर नहीं मिलेगा। तो इसमें 80-90% महिलाएँ ऑटोमेटिक बाहर हो गई, तो योजना योजना ही नहीं रही। इसके बाद हमारी कांग्रेस पार्टी में इसका मंथन भी हुआ है, चूँकि हमने इसको हिमाचल और बाकी राज्यों में हमारे लागू कर दी थी, उसी योजना को कमल शिवराज सिंह जी ने फॉलो करने का प्रयास किया था, लेकिन वो उसको कर नहीं पाए। जो हमारी ओरिजिनल योजना थी वही हमने यहाँ लागू करी। हर महिला को जो एक घर में अगर एक से अधिक महिलाएं हैं 18 वर्ष से आजीवन तक, हर महिला को ये योजना की पात्रता है। 1500 रुपये का गैस सिलेंडर है, 1500 रुपये उसको सम्मान निधि है, 500 रुपये में गैस सिलेंडर है। अभी कमलनाथ जी ने अभी यहीं पे घोषणा करी 2 दिन पहले कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसानों का कर्ज माफ़ होगा, कर्मचारियों के लिए OPS लागू होगी। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट रूप से महंगाई के इस दौर में जब परिवार चलाना दुभर हो गया तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से उसको बचत होगी। अगर 100 यूनिट बिजली फ्री होगी तो 300, 400, 500 रुपये उसको बचेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है रवि जी कि जो संपन्न वर्ग है जिसको आपकी ये सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, उनको देने के बजाय
ये राशि और दलित, ये दलित और गरीब जो मजदूर वर्ग है उनमें बढ़ाई जाए वो नहीं हो सकता, क्योंकि हम बराबर सबको बांट रहे हैं, सब पूरे संपन्न वर्ग को तो इसकी आवश्यकता है ही नहीं। मुझे एक बात बताइए, संपन्न जो, और अगर भाजपा ने इसमें क्राइटेरिया रखा है तो गलत क्या किया? नहीं, क्राइटेरिया आपने रखा है, मुझे आप गाँव में जाइए, एक घर से एक महिला है। अब आप, हम फॉर्म भरने जा रहे हैं, हम जिन परिवारों में जाते हैं वहाँ महिलाओं में विवाद हो गया, उसने बोला मेरा फॉर्म भरो, वो बोलती मेरा फॉर्म भरो, एक ही भरना है। अब आपने उस घर में लड़ाई घुसा दी एक तरीके से। नहीं, पर आपकी, आप ये जो कमलनाथ जी दे रहे हैं उसमें तो मनरेगा के मजदूर और जिला कलेक्टर दोनों के परिवार की महिलाओं को बराबर, बिल्कुल सब लोग समान है ना। महिला बात किसी की संपन्नता की और उसकी नहीं है, बात महिला की, नारी सम्मान योजना है वो, तो नारी ये बात तो फिर वही आ गई जैसे मोदी जी बोल रहे हैं कि रेवड़ी बांटने वाली बात। रेवड़ी, अगर रेवड़ी होती तो ये अपने अपनों में बढ़ती भैया, सभी में बढ़ रही है। हाँ, रेवड़ी तो संपन्न वर्ग को तो उस चीज की आवश्यकता ही नहीं है जो कांग्रेस, तो जिसको नहीं भरना हो अगर उसको, तो इसके सीधा सीधा यही देखा जाए कि ये सिर्फ एक वोट कबाड़ने के लिए तैयार की गई योजना है। इसमें मजदूर और दलित वर्ग का जो उत्थान है वो तो कहीं पीछे रह, कैसे नहीं होगा उत्थान? मुझे आप कलेक्टर की पत्नी को भी 1500 दे रहे हैं, बिल्कुल, आप मनरेगा के मजदूर को भी दे रहे हैं, तो वो 1500 रुपए आप उनको न देते हुए मजदूरों में बांट सकते हैं ना, उनको 2000 रुपए दीजिए। नहीं, क्योंकि नारी नारी समान है, ये चाहे वो कितने बड़े उद्योगपति की हो चाहे वो किसी मजदूर की हो, नारी का सम्मान है। अगर कलेक्टर की पत्नी है या और कोई उद्योगपति या कोई बड़े आदमी की पत्नी है वो फॉर्म भरेंगी तो उनको 1500 रुपए सम्मान निधि और 500 रुपए का सिलेंडर बिल्कुल मिलेगा। ये सब नारी चाहे कोई भी वो एक बिल्कुल एक नज़र से देखने के उद्देश्य से योजना बनी है। ये रेवड़ी नहीं बटी, रेवड़ी बटती तो हम सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देती है, घर घर जाकर के। हम हमारे भाषण में बोल रहे हैं, हम जब जाते हैं तो हम स्पष्ट बोलते हैं कि आप किसी भी घर जाओ, किसी भी पार्टी का, किसी भी कर्मचारी का, चाहे भारतीय जनता पार्टी का परिवार हो, उसके घर भी ये फॉर्म भरना, सबको बिल्कुल समान रूप से देखना। रवि जी, अब कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जिले का दौरा कर रहे हैं, इस समय तूफानी दौरा चल रहा है, कार्यक्रम हो रहे हैं, और कमलनाथ जी ने जो आपके नारी सम्मान और गैस सिलेंडर वगैरह योजना ये भी लेके जनता के बीच जा रहे हैं, इनको लेकर कितना उत्साह नज़र आ रहा है और क्या रणनीति होगी खरगोन जिले में फिर से कांग्रेस का वर्चस्व बनाए रखने के लिए? आप, मैं तो आपको कहना चाहता हूँ कि जो हम घूम रहे हैं आप भी हमारे साथ चलिए। जब हम बैठक लेते हैं तो सैकड़ों महिलाएं आती है बैठक लेने में, और जब बैठकें लेते हैं तो महिलाएं अपने आधार कार्ड समग्र आईडी ले करके आती है। मतलब ये ना, एक तो जानकारी है उनको, दूसरी बात उनके अंदर उत्साह है। अभी हम किसी भी जगह हमने बैठक ली, कोई भी ऐसा रहा नहीं जहाँ हमने नारी सम्मान की बैठक ली और महिलाएँ नहीं आई। कर्ज माफ़ी की बात है तो किसानों से जब हमारी बात हो रही है तो वो भी उस चीज़ को लेकर के भी उत्साह है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पिछले हमने 8-15 दिन से मैं आधे से अधिक हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की डिक्लेयर हो गई है, युवक कांग्रेस की हमने टीम गठित करी है। तो जो नए पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, जो नए साथी हैं, कर्नाटक का रिजल्ट हो, कांग्रेस के का संगठन फिर से बनाने की बात हो, और सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अभूतपूर्व उत्साह है, और यही उत्साह हमको 6 की 6 सीट फिर जिताएगा। रवि जी, आने वाले समय में अभी और पता चलेगा कि भाजपा और कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है मध्य प्रदेश में, उनकी स्थितियां क्या हैं, क्षेत्र में जनता किस ओर सकारात्मक रुख अपना रही है, और कांग्रेस भावी सत्ता को लेकर के जो नारी सम्मान, गैस सिलेंडर और भी कुछ योजनाएं वो लेकर के आएंगी, इन योजनाओं से वो कितने हद तक, कितनी मात्रा में वोटों को अपनी ओर खींच सकते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। रवि जी, आज आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और हम आगे भी आपको चर्चा के लिए बुलाते रहेंगे, आपका बहुत 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 धन्यवाद, आप सभी को बहुत धन्यवाद। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी।